Hello students, I'm Charanjeet Singh, a network expert, and today we are going to learn about the IP addressing schemes. Now, IP address kya hai? An IP address, it is a short form of the internet protocol address. This is an identifying number for the piece of network hardware on the network. Jo bhi hamara hardware, jo network ke upar hai, which can receive or forward data, will have एन आई पी एड्रेस. अगर किसी भी हार्डवेयर के ऊपर आई पी एड्रेस नहीं है तो वो ना वो डेटा सेंड कर सकता है ना वो डेटा रिसीव कर सकता है. एन आई पी एड्रेस इज अ यूनिक ग्लोबल एड्रेस फॉर द नेटवर्क इंटरफेस. कोई भी आई पी एड्रेस डबल नहीं हो सकता है क्योंकि अगर वो रिप्लीकेट होता है तो इट डिफीट्स द पर्पज ऑफ अ नेटवर्क. किस होस्ट को हम इंफॉर्मेशन भेजेंगे, कहाँ से भेजेंगे, वो हमें पता भी नहीं चलेगा. तो आईपी एड्रेस हैज टू बी यूनिक एंड इट हैज टू बी ग्लोबली यूनिक, नॉट इन अ लोकल एड्रेस. तो आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस है एक 30 बिट लॉन्ग आइडेंटिफायर ऑफ एनी नेटवर्क. इसमें दो पोर्शन होते हैं. दे आर एनकोडेड अ नेटवर्क नंबर विच इज कॉल्ड द नेटवर्क प्रीफिक्स एंड द होस्ट नंबर विच इज द आइडेंटिफायर ऑफ द होस्ट विच इज ऑन टू द नेटवर्क. इस लेक्चर में पहले हम आई पी एड्रेस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम सबनेट्स एंड टाइप ऑफ सबनेटिंग पढ़ेंगे, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग विच इज सी आई डी आर, आई पी वर्जन 6, दिस इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेसेस पढ़ेंगे और प्राइवेट इंटरनेट्स. तो कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन आई पी एड्रेस, IP address is formed of dotted decimal notation. कोई भी अब अगर आप IP address देखेंगे वो होगा dotted decimal notation में, और dotted decimal notation चार octets में होगी. That is x dot y dot z dot alpha. तो इसमें each byte has an identifier by decimal numbers which range from 0 to 255. ये जो IP addressing scheme है वो IPv4 कहलाती है, इंटरनेट वर्जन प्रोटोकॉल 4. और हमने जैसे मैंने पहले बताया कि एक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 भी है जो हम लेटर इन दिस लेक्चर विल स्टडी. अब डॉटेड डेसिमल नोटेशन कैसी होती है वो आपको इस स्लाइड में नजर आएगी. इसमें चार ऑक्टेट्स होते हैं. चार ऑक्टेट्स का मतलब इट विल बी कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 8 bits 4 times and that means it is 32 bits ka ye address hota hai. Pehla byte aap dekhenge it notates 128, second byte 143, third byte 137 and fourth byte 144. To ek host ka IP address ho sakta hai 128.143.137.144. Isme jo network prefix hota hai aur ek होस्ट नंबर होता है. द नेटवर्क प्रीफिक्स आइडेंटिफाइज द नेटवर्क एंड द होस्ट नंबर आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक होस्ट वेयर द डेटा इज टू बी ट्रांसफर्ड, जो एक्चुअल इंटरफेस है या ऑन द नेटवर्क. हाउ डू वी नो हाउ लॉन्ग इज द नेटवर्क प्रीफिक्स? अब अगर हमें चार ऑक्टेट दे दिए जाए तो उसमें से हमें यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा नेटवर्क प्रीफिक्स है और कौन सा होस्ट नंबर है? इसको ढूंढने के लिए the network prefix used is to be implicitly defined. तो इसका definition जो है हमने class based addressing में किया है. Class based addressing, there are number of classes of networks which are there available. Class A, class B, class C, class D and class E. अब इनमें जो classes हैं, network prefix is a fixed number जो हम आगे देखेंगे. द नेटवर्क प्रीफिक्स नाउ इज फ्लेक्सिबल एंड इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स एंड नेटवर्क मास्क, दिस बिकम्स द क्लासलेस. तो पहले हम क्लास बेस्ड नेटवर्क्स पढ़ेंगे, उनमें हम देखेंगे कि नेटवर्क प्रीफिक्स कैसे डिसाइड होता है और होस्ट नंबर कैसे डिसाइड होता है. उसके बाद हम क्लासलेस पढ़ेंगे जिसमें प्रीफिक्स वेरिएबल हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क मास्क. एक एग्जाम्पल, अगर abc.in है, इसका आईपी एड्रेस
हो सकता है 130.28.3.92, ये जो है दिस इज इनफ फॉर अ राउटिंग डेटाग्राम. कैन वी से इट इज इनफ? इफ यू सी इट इज नॉट, बिकॉज दिस नीड्स अ नेटवर्क मास्क. द प्रीफिक्स इन एवरी आईपी डिवाइस होस्ट रिक्वायर्स अ नेटवर्क मास्क टू आइडेंटिफाई नेटवर्क प्रीफिक्स क्या है और होस्ट नंबर क्या है. इसी एग्जाम्पल को अगर हम आगे लेके जाएं तो आप देखेंगे कि जो एड्रेस है इसमें हमने एक आईपी एड्रेस के आगे एक स्लैश डाल के 12 डाला है. इसका मतलब है कि नेटवर्क प्रीफिक्स इज 12 बिट्स लॉन्ग. 12 बिट्स लॉन्ग मतलब जो नेटवर्क मास्क में पहले 12 बिट्स हैं वो 1 होंगी और बाकी के जो बिट्स हैं वो 0 होंगी. तो नेटवर्क मास्क क्या हो जाएगा? 255.240.0.0. ये हेक्स फॉर्मेट में अगर हम इसको देखेंगे तो FFF00000. तो नेटवर्क आईडी इसका हो गया 130.28, नेटवर्क प्रीफिक्स हो गया या नेटवर्क आईडी हो गया, और होस्ट नंबर हो गया 3.92. ये नेटवर्क मास्क 255.240 कैसे आया? तो ये जो हमने स्लैश के बाद 12 डाला है, अगर हम देखेंगे कि पहले 8 जो डिजिट्स पहले ऑक्टेट के हैं दैट कन्वर्ट्स इनटू 255, एंड द 4 डिजिट्स व्हिच आर इन द नेक्स्ट ऑक्टेट दे कन्वर्ट टू 240. तो नेटवर्क मास्क हो जाता है 255.240. कॉन्सिक्वेंटली हमारा जो नेटवर्क आईडी हो जाता है वो है 130.28 एंड होस्ट नंबर बिकम्स 3.92. जो पुराना तरीका है आईपी एड्रेसिंग का क्लासफुल जिसको हम बोलते हैं वो डिवाइडेड है 5 क्लासेस में. द नेटवर्क एड्रेसेस वर स्टैंडर्डाइज्ड इन द अर्ली 80s एंड द इंटरनेट एड्रेस स्पेस वाज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस. क्लास ए, द नेटवर्क प्रीफिक्स इज 8 बिट्स लॉन्ग. तो पहला जो ऑक्टेट है वो डिसाइड करता था नेटवर्क प्रीफिक्स. क्लास बी नेटवर्क, पहले 2 ऑक्टेट्स नेटवर्क प्रीफिक्स डिसाइड करते हैं. क्लास सी में पहले 3 ऑक्टेट्स डिसाइड करते हैं कि नेटवर्क प्रीफिक्स क्या होगा. क्लास डी जो है वो मल्टीकास्ट ग्रुप आईडी है, और क्लास ई वॉज रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज. क्लास ए का जो आईपी एड्रेसेस वो शुरू होते हैं 0 से, और इनमें जो एड्रेसेस होते हैं वो रेंज करते हैं पहले ऑक्टेट में 0 to 126. द क्लास बी नेटवर्क्स स्टार्ट विद 10 एंड द नेटवर्क्स रेंज फ्रॉम 128 to 191. इसमें आप देखेंगे कि एक नेटवर्क जो है वो मिसिंग है, दैट इज 127. 127 इज नोन एज द लूप बैक एड्रेस. ये जब भी आप कोई पिंग डालेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में अपने कंप्यूटर पे, तो आप देखेंगे कि अगर आपको अपना ही कंप्यूटर चेक करना है कि उसका नेटवर्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप 127.0.0.1 अगर डालेंगे तो आपका लूपबैक एड्रेस हो जाएगा, और इस एड्रेस से आपको रिटर्न मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका नेटवर्क सिस्टम कंप्यूटर के ऊपर वो ठीक काम कर रहा है. द नेक्स्ट इज द क्लास सी एड्रेस. इस आईपी एड्रेस में हम शुरू करते हैं जो नेटवर्क आईडी है वो है 110 से. इसमें जो एड्रेसेस शुरू होते हैं वो है 192 to 223. द क्लास डी 224 to 239 एंड क्लास ई आर 240 to 254. तो इसमें ये कवर हो जाता है क्लास फुल एड्रेसिंग स्कीम. दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम. अगर आप देखेंगे क्लास ए का वो 0 से शुरू होता है, क्लास बी 10 से शुरू होता है, क्लास सी 110 से शुरू होता है, और क्लास डी 1110 से, और क्लास ई 11110. यहां से मल्टीकास्ट एड्रेसेस दे आर नॉट इन द स्कोप ऑफ द कोर्स, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी एड्रेसेस. नाउ दिस वे ऑफ क्लासफुल एड्रेसिंग had a few problems.
We are going to discuss the problems and also find out solutions to the problems which are created by the classful addressing scheme. The original classful addressing scheme had a number of problems. Problem 1, there are too few network addresses for large networks. Large networks kaise bante hain? Jo class A or class B hai, these are very huge networks. Kyunki inme pehla octet use hota hai network addressing ke liye, ya network ID ke liye, ya network prefix ke liye, aur baki 3 octets hote hain hosts ke liye. To hosts hamare bahut zyada ho jate hain, whereas network addresses bahut kam ho jate hain. So class A and class B addresses are rarely used because the networks are very large or rarely used, they'll be used where the huge ISPs are providing network addresses. So network addresses class A, class B mein de dete hain aur jahan pe hame networks, network IDs ki kam zarurat padti hai aur jahan pe hame host bahut zyada chahiye hote hain. The second problem is the two-layer hierarchy. टू लेयर हायरार्की में क्या है कि किसी भी आईपी एड्रेस में हमारे पास दो लेयर्स हैं. एक हमें देती है नेटवर्क आईडी, दूसरी देती है हमें होस्ट आईडी. नेटवर्क आईडी या नेटवर्क प्रीफिक्स एंड होस्ट प्रीफिक्स डज नॉट कन्वर्ज इनटू व्हिच नेटवर्क इज द डेटा गोइंग टू फॉलो फॉर द होस्ट. इसका जो सोल्यूशन ढूंढा गया वो था सबनेटिंग. सबनेटिंग में होते हैं, दिस सबनेटिंग बिकम्स द थर्ड लेयर. तो हमारे पास एक होस्ट आईडी हो गया, एक नेटवर्क आईडी हो गया और एक सबनेट हो गया. दिस बिकम्स द थ्री लेयर हायरार्की व्हिच इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ टू लेयर हायरार्की. द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ द क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग इज दैट इट इज इनफ्लेक्सिबल. अज्यूम दैट द कंपनी रिक्वायर्स 2000 एड्रेसेस. तो क्लास ए या क्लास बी अगर हम नेटवर्क्स लेंगे तो दे विल गो फॉर एन ओवरकिल बिकॉज दिस इज गॉट अ मोर देन 16 मिलियन होस्ट एड्रेसेस वी कैन गिव इन क्लास ए एंड क्लास बी. वेयर एज क्लास सी एड्रेसेस विल फॉल शॉर्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट विच वी हैव फॉर द 2000 एम्प्लॉयज हु आर देयर इन द कंपनी. तो इसका जो सोल्यूशन है वो है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे. दिस इज द सोल्यूशन for the inflexibility which was inherent in the classful addressing schemes. Chauthi jo problem hai, that is exploding of the routing tables. Jaise hi network IDs zyada ho jate hain, to routing tables mein itni zyada entries ho jati hain ki wo slow ho jate hain because har ek packet ko forward karne ke liye hame usko ye uska destination ID dhoondna hai aur destination ID dhoondne ke liye hame pura routing table scan karna hai और उस पूरे राउटिंग टेबल को स्कैन करने में टाइम लगता है. तो लेटेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. तो डेटा ट्रैवलिंग फ्रॉम होस्ट ए टू होस्ट बी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. दैट इज व्हाई द नेटवर्क्स बिकम स्लो. दिस वाज आल्सो एड्रेस्ड विद क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग CIDR. पांचवी जो प्रॉब्लम है, जो 32 बिट एड्रेसेस जो हमने IPv4 में देखे, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में, उसका जो सोल्यूशन है वो IPv वर्जन 6 में आया है. इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में जो एड्रेस है वो 32 बिट का ना होके 128 बिट का है. तो 32 बिट एड्रेस में वी कैन ओनली हैव अबाउट 4 बिलियन एड्रेसेस इन द वर्ल्ड. वेयर एज इफ यू सी IPv वर्जन 6, तो ये कितने 32 बिट के कितने हो गए 128 बिट में? 4. तो 32 बिट प्लस 64 बिट का जो IPv वर्जन 6 एड्रेस आया है उसमें जो एड्रेसेस आएंगे, दैट इज 4 बिलियन इंटू 4 बिलियन. इतनी नेटवर्क इक्विपमेंट, we will take a lot of time to consume all these addresses. That is why the IPv version 6 is the solution to the 32-bit address system which is there in the classful address and the IPv4. Now, each solution which we have seen earlier, we are going to come to them individually. The first solution was converting the address
from two layer, that is the network ID and the host ID, to a three layer address with the network ID, the host ID and the subnet. When organizations have a lot of departments, now each department would like to have their own IP address and own network, so that implementation of various schemes on that particular network is simpler. Just engineering school hai, management school hai, or library hai. Ab engineering school mein you have staff as well as students. So aap staff ko kuch enhanced privileges dena chahenge, students ko kuch kam privileges dena chahenge. So implementation jo hoga, agar hum subnetting nahi karte hain, तो हमने हर एक IP address को लेके उसके ऊपर privileges implement करनी पड़ेंगी. Whereas in the case of subnetting, we can pick up one subnet and across the board, globally उस subnet के ऊपर हम privileges impose कर सकते हैं and they will be applicable to all the members of that particular group. So the solution is it allocates an address for each network, and since the huge networks are difficult to manage, ye un huge networks ko chote chote subnets mein baant deta hai, aur un chote subnets ko manage karna for the IT team becomes simpler. To iska jo solution hua hai, humne uski subnetting kar di hai, aur chote chote subnets ek bade network mein bana diye hain, aur wo subnetting karke the information transfer within the department and across the departments becomes faster and simpler. What is the basic idea of subnetting? The basic idea of subnetting is that we split the host number portion of an IP address into subnet number and the host number. So, if you look at the diagram, we have a network prefix and a host number. This is the two layer scheme or two layer hierarchy. Isko humne divide kiya hai network prefix mein, subnet mask mein aur host number mein. To jo network prefix ko humne network prefix hi rakha hai, host number ko humne divide kar diya hai subnet mask ka, humne ek portion host number ka leke usko merge kar diya hai network prefix mein. So we have an extended network prefix. तो एक्सटेंडेड नेटवर्क प्रीफिक्स में एक सबनेट बन जाता है. देन सबनेट्स कैन फ्रीली बी असाइंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम सबनेट्स अलॉट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स इन दैट, एंड मैनेजमेंट ऑफ दीज सबनेट्स बिकम्स सिंपलर. इंटरनली सबनेट्स आर ट्रीटेड एज सेपरेट नेटवर्क्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. हर सबनेट जो है इट इज ट्रीटेड एज अ डिफरेंट नेटवर्क सिंस इट हैज गॉट अ डिफरेंट नेटवर्क आइडेंटिफायर, दैट इज नेटवर्क प्रीफिक्स उनका डिफरेंट होता है. एंड दिस पर्टिकुलर सबनेट स्ट्रक्चर जो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, दिस इज नॉट विजिबल ग्लोबली. आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दिस नेटवर्क स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट. तो जब हम ग्लोबल सिनेरियो में जाते हैं, उनको जो नेटवर्क हमने खरीदा हुआ है वही नेटवर्क एड्रेस जाता है, वेयर एज जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वी विल हैव सबनेट्स. नाउ वी कम टू द सबनेट मास्क. राउटर्स एंड होस्ट यूज एक्सटेंडेड नेटवर्क प्रीफिक्स टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट ऑफ द होस्ट नंबर. अब इसका जो हम डायग्राम देखेंगे वो क्लास बी एड्रेस का एक हम क्लास एड्रेस लेते हैं. तो हमने जो इसे पहले देखा था, क्लास बी का एड्रेस नेटवर्क एड्रेस जो शुरू होगा वो 10 से शुरू होगा. और पहले डायग्राम में हम देखते हैं कि एक नेटवर्क आईडी है, तो क्लास बी एड्रेस में कौन सा नेटवर्क आईडी होगा? इट विल बी टू ऑक्टेट्स, दैट इज द फर्स्ट टू ऑक्टेट्स विल बी 16 बिट का नेटवर्क आइडेंटिफायर होगा और 16 बिट का होस्ट एड्रेस होगा. वेयर एज विद सबनेटिंग हमने थर्ड ऑक्टेट को भी मर्ज कर दिया नेटवर्क आईडी के साथ. तो इसमें जो हम सबनेट बनाया है उसका नेटवर्क आईडी क्या हुआ? 255.255.255. तो पहले जो तीन ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क आईडी हो गया
और लास्ट जो ऑक्टेट है वो होस्ट आईडी हो गया। तो इस होस्ट आईडी में जो लास्ट वाले 8 बिट्स जो होस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसमें हमें होस्ट मिलेंगे 254, 254 होस्ट विल बी अवेलेबल इन द लास्ट ऑक्टेट। तो हमारा नेटवर्क आईडी बड़ा हो गया और होस्ट कम हो गए। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूज होस्ट नंबर्स एंड द लेसर नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज। सबनेट मास्क इसका अगर आप लास्ट में देखेंगे तो 255.255.255.0 ये हो गया हमारे सबनेट का मास्क। क्लास बी नेटवर्क्स जनरली जिसका /16 प्रीफिक्स होता है, उनका वी कैन यूज 2 सबनेट मास्क। एक तो मेन सबनेट मास्क यूज कर सकते हैं, दैट इज 255.255.0.0, ये हमारे मेन नेटवर्क का हो गया जहां पे हम इसको क्लास बी नेटवर्क में ही यूज कर रहे हैं। वेयर एज इसी को जब हम सबनेट बना देते हैं क्लास सी में वो चला जाता है, वो है 255.255.255.0। ये क्लासिकली स्पीकिंग क्लास सी एड्रेस नहीं है, ये क्लास बी को हमने नेटवर्क मास्क देके हमने नंबर ऑफ होस्ट कम किए हैं और नंबर ऑफ नेटवर्क ज्यादा किए हैं। तो नेटवर्क ज्यादा होने से हम उनको सबनेट्स बना देंगे और हर सबनेट जो है वो हर डिपार्टमेंट को अलॉट हो सकता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक नेटवर्क आईडी खरीदा है, उसका एड्रेस है 128.49.0.0/16/16 का मतलब है कि उन्होंने एक क्लास बी एड्रेस लिया है। इंटरनली उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसके 3 सबनेट बनाए हैं। जो पहला सबनेट है दैट इज 128.49.0.0/24 का मतलब हुआ उसने 3rd ऑक्टेट जो आईपी एड्रेस का वो ले लिया है और एक सबनेट मास्क बना दिया है जिसमें पहले 3 ऑक्टेट्स के सब बिट्स हैं 1। अब सेकंड सबनेट जो बनाया है वो है 128.49.1.0/24। ये जो सेकंड सबनेट बना है, ऑर्गेनाइजेशन विद इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उन्होंने 2 और सब सबनेट्स बना दिए हैं जिनका उन्होंने 1 एक्स्ट्रा बिट फ्रॉम द होस्ट आईडी लेके उसको मर्ज कर दिया है नेटवर्क आईडी के साथ। तो उसका जो नेटवर्क एड्रेस हो जाता है /25। तो पहले 25 बिट्स इन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क एड्रेस दैट आईपी एड्रेस आर द नेटवर्क आईडी। तो उन्होंने अपने इंटरनली डिपार्टमेंट ने 2 सबनेट बनाए हैं विच आर 128.49.1.0/25 एंड 128.49.1.128/25। ये 2 सबनेट उन्होंने इंटरनली बना लिए हैं। तीसरा जो सबनेट उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है वो है 128.49.2.0/24। तो इसमें हमें 3 ऑक्टेट्स जो आईपी एड्रेस के साथ मिल गए। वी हैव द ऑर्गेनाइजेशन हैज इंटरनली मेड 3 सबनेट्स। दीज आर नॉट ओनली द 3 सबनेट्स विच कैन बी मेड बाय प्रोक्योरिंग अ क्लास बी एड्रेस। वी कैन मेक अ ह्यूज नंबर ऑफ नेटवर्क्स सबनेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस केस वी हैव लर्नड हाउ द आईपी एड्रेसिंग स्कीम वर्क्स, हाउ द आईपी एड्रेसेस आर इन converted from 2-layer hierarchy to a 3-layer hierarchy. We have the network IDs, the host IDs. Then we have learned examples how the addressing scheme works and how an organization can procure an address and make subnets of its own within the organization.